सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास है 2022 टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन। तो नेक्सॉन की जहाँ तक हम बात करें, लास्ट मंथ ये वेन्यू तक को सेल्स में पीछे छोड़कर इंडिया की नंबर वन सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन चुकी है। इस गाड़ी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन के नॉर्मल एडिशन से इसमें क्या अलग है कि जिसके लिए ये 45,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं हम इसमें। तो देखने में तो ये प्रॉपरली टाटा नेक्सॉन टाइप ही लगती है, नॉर्मल नेक्सॉन जैसी, बट यहाँ पे इसमें क्या अलग है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमें टाटा की की टिपिकल टाटा की देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। लॉक अनलॉक, उसके बाद फॉलो मी हेडलैम्प्स और बूट अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। नॉर्मल आपके कीलेस एंट्री इसमें मिलती है, तो यहाँ पे इस तरीके से है। और अगर आपको फिजिकल की इसमें निकालनी है तो ये आप पुल करके ये निकाल सकते हैं, ये आपको फिजिकल की ऐसे यहाँ पे मिल जाती है। तो हमें फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है यहाँ पे नेक्सॉन में। उसके बाद यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको मिल जाती है। और इसमें क्या अलग है, डार्क एडिशन में बेसिकली आपको टोटली पूरी कार में एक ब्लैक थीम दी गई है। मतलब यहाँ पे सिर्फ जैसे ये इंसर्ट्स है, ये भी सिर्फ इस गाड़ी में अलग आते हैं। नॉर्मल नेक्सॉन में व्हाइट कलर के इंसर्ट मिलता है देखने को मिलते हैं आपको, इसमें यहाँ पे आपको एक गन मेटल सिल्वर टाइप में देखने को मिल जाते हैं। फिर पूरी गाड़ी में एक ट्राई एरो थीम लगाई हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएटर ग्रिल में भी आपको ट्राई एरो देखने को मिलता है यहाँ पे भी। उसके बाद इस कार में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल डबल इंजन देखने को मिलता है, ये पेट्रोल वेरिएंट है हमारे पास। यहाँ पे हमें जो इसका हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे जो DRLs हैं, इसी के मल्टी फंक्शनल DRLs आते हैं, यही इंडिकेटर का वर्क भी करते हैं। उसके बाद ये आपकी नॉर्मल हाइड्रोजन बल्ब मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपकी फॉग लाइट भी नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमें यह नेक्सॉन की बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये भी प्रॉपर ऐसे ब्लैक इंसर्ट में आता है। फिर इस टाइप का हमें व्हील देखने को मिलता है। ये जो स्पेशली अलॉय व्हील्स डार्क एडिशन के लिए आए हैं, ये कार्बन ब्लैक में अलॉय व्हील्स है, 5-spoke अलॉय व्हील कहता है टाटा इसको। और अगर टायर साइज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 215 और 60R16 का क्रॉस सेक्शन मिल जाता है। 16-inch अलॉय व्हील्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि बढ़ा के दिए हुए हैं इस बार, मतलब फिर नए फेस लिफ्ट में नए अलॉय व्हील्स 1-inch साइज बढ़ा के दिए थे। फिर यहाँ पे ये टाइप की डार्क एडिशन की बैजिंग मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक फोल्ड एंड फोल्ड मिरर्स हैं, जैसे आप लॉक अनलॉक करेंगे तो तब। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर हमें एक साइड देखने को मिलता है, पैसेंजर साइड पे नहीं मिलता, ड्राइवर साइड पे सिर्फ। फिर आप यहाँ पे रूट रेल्स आ जाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये मतलब ऑड नहीं लग रही, जैसे बाकी नेक्सॉन में कई कलर्स के साथ वाइट स्ट्रिप बहुत ऑड लग रही है, बट यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिख रही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, शाफ्ट का एंटीना मिल जाता है हमें बैक साइड पे। और ये थोड़ा नेक्सॉन का ट्राई एरो जैसे थीम है, वही यहाँ पे भी आई है, ट्राई एरो थीम आपको हर जगह मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद इसकी जो बूट है, बूट में भी देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नेक्सॉन बाकी गाड़ियों में नॉर्मली नेक्सॉन ऐसे थोड़ा क्रोमिश में लिखा होता है, बट यहाँ पे डार्क में ही है, यहाँ पे मैट कलर में थोड़ा। उसके बाद ये आपका रिक्वेस्ट सेंसर टाइप की मिल जाती है आपको, एक ऐसे अगर नॉर्मली भी आपको चाहिए और अगर आपके पास की है तो आप इसको नॉर्मल मतलब कार को ओपन करे बिना, लाइक अनलॉक करे बिना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी बूट की बात करें, सॉरी फॉर बूट थोड़ा गंदा है, नंबर वगैरह है, बट बूट की बात करें तो आपको बेस्ट इन द सेगमेंट तो नहीं मिलता है, सबसे बड़ा बूट नहीं है इस सेगमेंट में, पर काफ़ी प्रैक्टिकल बूट है और काफ़ी मतलब यूजेबल चीज़ बूट है। में आपको 4-3 kg हुक देखने को मिल जाते हैं, 2.5 kg 3 kg, वैसे तो इन पर मैं ज़्यादा भरोसा करता नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको पंचर किट एक इंक्लूड जो कर दिया टाटा ने नेक्सॉन के साथ डार्क एडिशन में, आपको पंचर किट देखने को मिल जाती है। इसका मैकेनिज्म का अगर आपको समझना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि थोड़ी डिफरेंट टाइप के। फिर यहाँ पे आपको बटन लैंप देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके एक्स्ट्रा स्पेयर टायर की बात करें तो स्पेयर टायर हमें ऐसे यहाँ पे मिल जाता है, टूल्स वगैरह। और स्पेयर टायर का क्रॉस सेक्शन 195 है, बाकी जो अलॉय साइज है वो सेम है, बट इसमें क्रॉस सेक्शन हमें 195 का देखने को मिल जाता है। मतलब अगर दूर से आप देखोगे तो इतना फर्क पड़े पता नहीं चलेगा इसका। तो यहाँ पे हमें बैक में यहाँ पे रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे टाटा का लोगो आ जाता है,
आपको रिवर्स वाइपर मिल जाता है यहाँ पे, ये आपके डिफॉगर्स आ जाते हैं, और ये वोकल फोर लोकल जो कि टाटा की हर गाड़ी पे आपको देखने को मिल जाएगा वो चल रहा है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गेट इस तरीके से मतलब, उसके बाद यहाँ पे आपको ये स्पीकर देखने, ग्रिल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, ये यहाँ पे आपको परफोरेटेड लेदर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा टेक्सचर मतलब काफ़ी प्रीमियमनेस थोड़ी फील होती है। ऑल ब्लैक इंटीरियर में जैसा कि मैंने बताया इस कार में पूरा वो ब्लैक थीम यूज़ की गई है। फिर यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे डोर में स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिल जाता है, इसका जो आपको आउटलेट मिलता है वाटर का वो यहाँ पे मिल जाता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइवर सीट भी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, यहाँ पे सारा कुछ आपको अपडेटेड स्क्रीन से देखने को मिलती है, ये आपको MID मिल जाती है ड्राइवर डिस्प्ले में। फिर इस जगह से आपका ये फ्यूल टैंक दिखाता है, यहाँ पे आपको कूलेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये आपका RPM मीटर। फिर यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, ये इसको सेट कर सकते हैं जैसे अगर टॉगल करना आपको ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी टेम्परेचर वगैरह फ्यूल गेज, और ये आपका भी एवरेज शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो इसमें इंक्लूड कर दी गई है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर हम स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ डी कट में स्टेयरिंग देखने को मिलता है, लेदर से स्टेयरिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, हॉर्न पैड इसमें आपको साइड में मिलते हैं यहाँ पे दोनों तरफ से, ये आपका सेंटर से ऐसे क्लिक नहीं होता। फिर इस जगह पे आपको इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, ये मेन इन्फोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल्स होते हैं यहाँ पे कॉन्सोल के। फिर ये आपका आ जाता है क्रूज कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। एडजस्टमेंट हम स्टीयरिंग की करें, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको सिर्फ टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको जो वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स इधर देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। सिमिलरली यहाँ पे आपको हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको विंडोज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स में आपको सिंगल टच अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है, जैसे मैं दिखाऊं टाटा का सिंगल टच जो है थोड़ा मतलब सिंगल टच आपको आप देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे सिंगल टच डाउन मिल जाता है इसमें, बाकी कंपनीज की तरह नहीं है, मतलब ऐसे इसमें थोड़ा हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, नॉर्मल ऐसे टाटा के उसमें आता है, और अपडेट्स के बाद ये डिस्प्ले सीरियसली बहुत बेटर हो चुका है, काफी फ्लूडिटी बढ़ गई है इसकी। और यहाँ पे आपको वही एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, इसकी अगर आपको देखनी है तो मैं आपको इन्फोटेनमेंट वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया ये ट्रायरो जो थीम अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हल्के से टेक्स्चर्ड है ये, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में प्रॉपर पूरा यहाँ पे मिलता है आपको। मैनुअल हमारे पास ट्रांसमिशन है इस वक्त तो इस तरीके से। और सबसे बेस्ट फीचर इस कार का वो है इसका ग्लोव बॉक्स, ये ग्लोव बॉक्स बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा बड़ा और कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है आपको, जैसे कि ये आपको अभी यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे अगर आपको पेपर्स वगैरह टिकट होल्डर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है, हालांकि आर्मरेस्ट का ज़्यादा यूज़ तो नहीं है और ना ही ये एडजस्टेबल है, मतलब थोड़ी काफ़ी छोटी आर्मरेस्ट है ये। और मेन चीज जो इस मेरे को इस गाड़ी में पसंद आई है वो है इस आर्मरेस्ट में जो आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, इतना प्रैक्टिकल यूसेज है इस स्पेस का, मतलब काफी बड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप, और इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। फिर यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं जो अगर रखना चाहें। फिर जो टाटा की गाड़ियों में फीचर देखने को मिलता है हमें सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड का, ये उसमें आप इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इससे आप उसमें सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। फिर ये आपका हैंड ब्रेक लीवर आ जाता है और ये मैनुअल गियर। अच्छा इस नॉर्मल ये इसमें अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है बता दूं, यहाँ पे ऐसे आपको पुल करके तब ही रिवर्स गियर लगता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सेंट्रल कंसोल में, यहाँ पे आपको 12 वॉल्ट सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद की वगैरह की रखने के लिए भी यही जगह है, और यहाँ पे आपको USB मिल जाता है। USB जो है ये इन्फोटेनमेंट वाला है, आप देख पा रहे हैं ये जो USB है वो इन्फोटेनमेंट वाला है। और ये फिर ये जो बटन्स हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, ये बूट अनलॉक का बटन आपको यहाँ मिलता है।
उसके बाद आपका लॉक अनलॉक बटन और ये एक्सप्रेस कूल फीचर। एक्सप्रेस कूल फीचर में बेसिकली क्या होता है, अगर आप बैठे हैं मतलब बाहर से आते हैं गाड़ी कहीं गर्म जगह, क्योंकि ब्लैक है तो ऑब्वियसली रेडिएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गर्म हो जाती है अंदर से भी, क्योंकि ऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं। तो एक्सप्रेस कूल जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एसी फुल ब्लो पे चलेगा और आपके मिरर्स रोल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी जैसे ठंडी हो जाती है नॉर्मली, तो ये आपको इसी तरीके से बोल के, जिस तरीके से इको मोड और इकोनॉमी ड्राइव मोड जैसे इसी तरीके से आपको बोल के बता देगी कि कार कूल हो चुकी है और आप अपने मिरर्स रोल अप कर सकते हो। फिर ये आपका वही एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको एसी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एसी की कोई डिस्प्ले नहीं मिलती है, डिस्प्ले आपको जो भी है वो सारी यहीं देखने को मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पहले नेक्सॉन में बटन्स आते थे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, बट अब यहाँ पे उन्होंने बटन्स हटा दिए, फिजिकल बटन्स हटा के यहाँ पे नेक्सॉन सिर्फ ऐसे प्यारे ब्लैक फिनिश में लिखा हुआ है, जो कि पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मेरे को फिजिकल बटन्स भी पसंद थे, क्योंकि कई बार इन्फोटेनमेंट क्या है कि काफ़ी लैगी हो जाता है, तो उस चीज़ चक्कर में आप मतलब डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर पाते, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है एक ड्राइवर के लिए। तो यहाँ पे बटन्स काफ़ी होने चाहिए थे, जो कि मेरे को लगता होने चाहिए थे, बट इन्होंने अभी नहीं रखे हैं, हटा दिए गए हैं यहाँ से। बस आपको इलेक्ट्रो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर तो नहीं मिलता है, नॉर्मल मिरर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लाइट देखने को मिल जाती है, ये वाइट लाइट में आती है और टाटा की पुरानी दिक्कत है फिटिल फिनिश वाली, ये कुछ करो टाटा इसका। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट एलईडी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी आपको सनग्लास होल्डर देखने को नहीं मिलता, जो कि शायद लगा सकते थे ये लोग, इन्होंने लगाया नहीं है। फिर ये आपको सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, जैसे ये आपकी सनरूफ हो गई है, बाकी इस वाले को आपको मैनुअली फ्लैप बंद करना पड़ता है, ये वाला फ्लैप आप मैनुअली बंद करोगे। ये आपका रिसीवर आ जाता है, जैसे आप कॉल्स वगैरह रिसीव करते हो तो ये आपके वॉइस रिसीवर है। तो यहाँ पे बैक सीट्स में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ओपन स्पेस है। यहाँ पे मेरे को पर्सनली जो टाटा का पसंद आता है कॉम्पैक्ट एसयूवीज में, आपको वेन्यू में कि या सोनेट में कि मतलब ये है कि बैक साइड में काफ़ी क्रैम्ड होकर बैठते हो आप, बट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लेग रूम मिल जाता है। हालांकि ये सीट पूरी आ गई है इस वक्त, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लेग रूम है। अगर मैं बात करूँ ये वाली सीट, तो ये ड्राइवर्स के हिसाब से सेटेड है और तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है, तो ये ड्राइविंग के हिसाब से सेटेड है, सेट हुई हुई है। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आती है। और यहाँ पे कुछ नहीं, टाटा की इस बार की जो कुशनिंग है, कुशनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग ट्रिप्स आप इजीली कंफर्ट जोन में रह के बैठ अपना देख सकते हैं। एडजस्टेबल हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे मिड में नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दो आपको एडजस्टेबल हेडलाइट्स मिल जाएंगे, मिड में आपको नहीं में देखने को मिलेगा। और 60-40 के स्प्लिट में ये आपको सीट्स देखने को मिल जाती हैं। सीरियसली कुशनिंग यहाँ पे इन सीट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे, जिसमें दो आपको दो कप होल्डर्स मिल जाएंगे, ये थोड़े रबर साइड था ग्रिप के लिए यह दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आर्म रेस्ट है, मतलब अगर आप चाहो तो देखो काफ़ी स्ट्रांग है, स्टडी है। यहाँ पे आपको पीछे एसी डोर्स में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने एक चीज़ मेरे को मिसिंग लग रही है, आपको भी लग रही होगी, यूएसबी पोर्ट वगैरह या फिर 12 वोल्ट सॉकेट वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये चीज़ स्टार्ट हो देखनी चाहिए। प्लस इनफैक्ट यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल भी नहीं है, तो आई थिंक ये वहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा इनका भी ब्लो, इनका भी थ्रू, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा मिसिंग लग रही है, आई थिंक ये होना चाहिए था। बाकी ये जो चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इसका जो ये आम का ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि आप अगर इधर उधर जाएंगे तो ये परेशान कर सकता है, बीच में बैठने वाले पैसेंजर को दिक्कत हो सकती है, बट ओवरऑल अगर आप कंफर्ट की बात करें तो नॉर्मली अगर दो पैसेंजर और एक बच्चा बैठेगा तो यहाँ पे पीछे आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। बाकी ये सीट बेल्ट मेरे को कुछ ऐसे मतलब सही बताओ तो क्वालिटी वाइज ये ऐसी ही लग रही हैं, ज़्यादा कुछ खास क्वालिटी मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है अंदर प्लास्टिक की। तो यही था इस वीडियो में, अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस करे हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये एक्सी प्लस ऑप्शनल मॉडल आता है आपका, जो कि टाटा का ब्लैक एडिशन से, वैसे आपको पता ही है कि एक्सी मॉडल से ही शुरू होते हैं। और इस ये टॉप एंड ट्रिम है, जो कि आपको 1265 के अराउंड पड़ा था, जो कस्टमर है इसका मतलब जो यूज़र है इस कार का उसको,
तो हाँ, 12 लाख के अराउंड ये कार इस वक्त सबसे बेस्ट है। अगर आप जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन देखने, तो मैं कहूंगा कि आप एक बारी ब्लैक एडिशन पर भी नजर डालिए। तो बस यार, यही था इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल सब्सक्रिप्शंस बहुत कम है, 0.3% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.